हेलो एवरीवन, मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है पत्तियों का खाद कैसे हम बना सकते हैं, लीव कंपोजिशन और उनके न्यूट्रिशन और अब उसके एप्लीकेशन के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीव्स का या जो पत्तियां हैं उनका किस वजह से पत्तियां बनती है, हमारे इस वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस हैं, लीव्स में जो न्यूट्रिशन है उसकी वर्किंग कैसे होती है डिकम्पोजिशन की, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, उसमें अच्छाई क्या बुराई क्या, और लास्ट में हम एक कंक्लूज़न करेंगे कि क्या ये सही में अच्छी चीज़ हैं कि हम लीव कंपोज बनाएं या नहीं। और मैं कुछ लास्ट में एक रेफरेंस दूंगा जो आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि जो हम आसपास में जितने भी पत्तियां देखते हैं और हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि लीव्स एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से प्लांट ग्रो करता है और उसके लिए लीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है डे टाइम में, और वैसे ही वाइस वर्सा रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। और यही कारण है कि जो पत्तियां हैं उनके वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स को एक एनर्जी मिलती है, और पत्तियों में जो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन लॉक रहते हैं जो अगर आप किसी डिकम्पोस्ट में यूज़ करते हैं तो जो सॉइल है वो काफ़ी हेल्दी बनती है। इसमें मतलब मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन ही होता है क्योंकि पत्तियां हैं जो ओवरऑल हाइड्रोकार्बन ही होती हैं। हम भी हाइड्रोकार्बन ही हैं, और जो हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन ही होता है जो कि जलता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो इतनी एनर्जी स्टोर होने के बाद अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो सॉइल को भी काफ़ी एनर्जी उसमें से मिलती है, और ये बायोडायवर्सिटी में हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मतलब जो ये पत्तियां हैं जब ये गिर जाती हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, या ये पत्तियाँ जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है पत्तियाँ हमारे डे टू डे लाइफ में। और इस जितना ये वीडियो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊँ तो मुझे इनका कंपोस्ट बनाना है और ये टेरिस पे मैं रखना चाहता हूँ, मेरे जो टेरिस है। और टेरिस पे इसका रखने का मतलब इनको टेरिस में इन ड्रम्स में रखने का एडवांटेजेस ये होता है कि आपका जो टेरिस है उसमें अगर आप उतने बड़े ड्रम में मिट्टी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा टेरिस पे, और वो लोड कम करने के लिए हम पत्तियों का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम पत्तियां हम रखेंगे मतलब 50-50% का अगर रेशियो पकड़ूं मैं तो 50% सॉइल और 50% जो पत्तियां हैं उस ड्रम में, उसके वजह से बर्डन कम आएगा। और ये लॉन्ग टर्म मेले के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इनमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, साथ ही साथ ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी ड्रेन करता है, और इसमें जो अर्थवर्म है, केचुए होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम होता है वो काफ़ी हेल्दी और हेल्दी रहता है, फल फूलता है, इसके लिए पत्तियों का खाद बेस्ट माना जाता है। और ये ठंडा होता है, अगर हम समर टाइम में भी इसका यूज़ करें तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होती। और ये प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जो भी प्लांट है और उसकी जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस की वजह से मतलब ग्रो होते हैं। प्लांट्स लीव्स एब्जॉर्ब फोटोसिंथेसिस के वजह से जो फूड है वो बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करता है, और जो पानी है जो रूट्स में जो पानी होता है और उसके और फोटोसिंथेसिस के कॉम्बिनेशन के वजह से वहाँ एक ग्लूकोज तैयार करता है, और वो ग्लूकोज जो रूट्स होते हैं वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनसे ट्रेड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट जो रूट्स हैं वो ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, और जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो प्लांट को उसके बदले में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
इसमें और एक बात है कि जो लीव्स होता है उसमें ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन इन द सेंस ऑफ कि जो पानी है वो लीव से जो आसपास का एनवायरनमेंट है वह सॉइल मतलब चला जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो वेपर्स होते हैं उसके वजह से आसपास का एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है। और आप देखें सुबह सुबह ग्लूटेशन में, तो ग्लूटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर आप जैसे ग्रास में देखते हैं ड्रॉपलेट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में थोड़े थोड़े से वो ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये प्लांट्स की खासियत होती है कि वो पानी को अपने बाहर जो होता है वो छोड़ते रहता है। स्टोरेज, इसमें अगर हम स्टोरेज की बात करें तो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन लॉक होते हैं लीव्स में, जो अगर पत्तियां जब गिर जाती है सूख जाती हैं तो वही पत्तियां उसी प्लांट को सामने जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डिकम्पोज होके। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। डिफेंस मैकेनिज्म अगर पत्ती की बात करें तो इसमें जो पत्तियां हैं वो खुद से ऐसी बन मतलब तैयार होती हैं कि वहाँ कोई इंसेक्ट उन पर हमला ना करे। उनका जो टेस्ट है वो कुछ खास रहता नहीं इंसेक्ट के लिए, इसलिए इंसेक्ट अटैक नहीं करते पत्तियों में मैक्सिमम टाइम। हमने ऐसे भी पत्तियां देखी हैं जहाँ इंसेक्ट काफ़ी बार अटैक करते हैं, और ऐसे भी प्लांट्स हैं जहाँ कोई इंसेक्ट ज़्यादा अटैक नहीं करता पत्तियों पे। तो ये सब एक साइकिल होता है एक तरीके का। अब हम न्यूट्रिशन पे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में पत्तियों में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन में मेन टाइम्स देखते हैं दो, जो मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिशंस यानी हम जो यहाँ पे देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी NPK करके, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम हम वहाँ भी यूज़ करते हैं, जो कि मैक्सिमम किसी प्लांट्स के लिए ज़रूरी, किसी भी प्लांट के रूट्स मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। वो पत्तियों में भी होते हैं, उनका जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है फॉस्फोरस और पोटेशियम के मुकाबले, बट वो जैसे जैसे डिकम्पोज होते हैं और जैसे जैसे उनमें डिकम्पोजिशन के वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते रहते हैं। बारिश के टाइम जब बारिश होती है और बारिश में काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन हमें उन पत्तियों जो डिकम्पोज पत्तियाँ हैं वो वहाँ से रिचार्ज हो जाते हैं बोलिए एक टाइप का, या फिक्सिंग हो जाती है नाइट्रोजन की, उस वजह से और अच्छे से वो रेनी सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। अगर माइक्रो न्यूट्रिशंस की बात करें तो किसी भी प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे कि उन पे येलो येलो मतलब जो पीले पीले दाग है वो रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो डिफिशेंसी होती है न्यूट्रिशन डिफिशेंसी, उसके वजह से उनकी पत्तियां झड़ जाती है, जलने टाइप हो जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, ऐसे एकदम उनका शेप अनइवन होता है, प्रॉपर शेप नहीं होता। तो इनके जो कॉजेस है वो ये है कि उनमें नाइट्रोजन्स में न्यूट्रिशन डिफिशेंसी होती है। और यही है कि अगर आप उन प्लांट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन बहुत काफ़ी छोटे मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है, बट ज़रूरत तो पड़ती है, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर और निकेल, मेलेबेडियम, ऐसे जो न्यूट्रिशंस है वो इम्पोर्टेंट होते हैं हर किसी प्लांट के लिए। अगर आपके इस तरह से न्यूट्रिशन इन पत्तियों में स्टोर होते हैं, आप चाहे तो मिक्स टाइप की पत्तियाँ लें, क्योंकि हर प्लांट जो सॉइल है उनसे हर एक तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। कुछ प्लांट्स कुछ रेशो जो होता है किसी पत्तियों का वो अलग न्यूट्रिशन का हो सकता है, किसी और पत्ती का अलग न्यूट्रिशन का रेशो हो सकता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम जो नॉन मिनरल इसेंशियल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब आप पानी दे सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो हम पानी देते हैं उसी में ये इंक्लूड होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन वर्किंग कैसे होती है। अगर मैं अपने जो भी मेरे पास
जितने कंटेनर्स है जितने मैंने पत्तियाँ डाली है उसके ऊपर मिट्टी डाली है, तो वो उसमें पानी डालते रहता, वो धीरे धीरे नरम हो जाते हैं, थोड़ी सी उनमें जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती है, उसके वजह से उनका ब्रेकडाउन जल्दी होने लगता है। अगर मैं अगर टाइम की बात करूँ तो मुझे 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी लगा है डिकम्पोज होने के लिए, मतलब ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको इसे बूस्ट अगर करना हो तो आप इसमें जो अपनी दही होती है, गुड़ होता है, जो भी आपका किचन का वेस्ट है, डंठल हो गए, जो अपना ओनियन होता है उसके कटके हुए वेस्ट पार्ट हो गया, आप जो भी हैं अंडे हो गए, आपकी चाय की पत्ती हो गई, आप कुछ भी डालिए उसमें मिक्स करते रहिए, आपका वो जो किचन वेस्ट है वो घर के बाहर कचरे वाले के गाड़ी में जाने से बेटर है आप अपने टेरिस पे उसका यूज़ करें। एक ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन वाला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो आप बना सकते हैं। इसमें आप पानी हफ्ते में एक बार दें, अच्छे से दें ताकि वो गीला रहे, उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अच्छे से फूले फले। इसमें फंगस भी लगे तो आप ज़्यादा पैनिक ना करें, फंगस अच्छी होती हैं डिकम्पोजिशन के लिए, और उससे जल्द से जल्द जो भी प्लांट है वो ब्रेकडाउन होते हैं, मतलब प्लांट लीव्स हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं। और सबसे मतलब आप इसको ढक के रखें सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी नहीं होती, वो मर जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, तो इसे ढक कर रखें। मल्चिंग कर सकते हैं आप जो नीचे नीचे वाले जो मतलब पत्तियां ही रख रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा पत्तियां रखें ऊपर पानी डालने की वजह से, जो नीचे वाला लेयर होता है पत्तियों का उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अच्छे से फलते फूलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो पत्तियों का खाद है वो गाय के गोबर की तरह नहीं होता या जो गोट मैन्योर होता है उसकी तरह नहीं होता कि मतलब 2 महीनों से 3 महीनों के अंदर पूरा का पूरा अच्छे से वो मैन्योर हो जाता है गाय का गोबर हो, बट जो पत्तियां होती हैं उनके उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बट इसकी खासियत है कि ये ठंडा रहता है और गाय का गोबर गर्म होता है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसको हम टेरिस पे 50% सॉइल और 50% लीव्स के एक रेशियो में हम इसको ही इसको डाल सकते हैं। पहले आप लीव्स डालिए बहुत सारे, पूरा फुल भर लिए, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालिए, पानी डालते रहिए, फिर वो धीरे धीरे कंप्रेस होता रहेगा, बिकॉज आपने ऊपर जो मिट्टी डाली है उसका एक दबाव पड़ता है उन पत्तियों पे, तो जो उनमें एरेशन होती है, जो खुली खुली होती है, वो दबाव की वजह से, उनकी नमी की वजह से धीरे धीरे दबने लगती हैं। उसके बाद और पत्तियां डालिए और मिट्टी डालिए, ऐसे आप लेयर बाय लेयर करें, और इसके लिए टाइम टेकिंग मतलब प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब मानता हूँ कि मैंने भी ऐसे ही प्रोसेस किया है, पर मतलब टाइम तो लगेगा। अगर आप नेचर के साथ कोई अगर केमिकल डालते हो जैसे यूरिया है तो शायद जल्दी हो जाए, बट मैं उसे सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि वो केमिकल प्रोसेस है और हमें ऑर्गेनिक वे में जाना है। और आप जो पत्तियां हैं उनका यूज़ आप मल्चिंग के लिए भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो जब समर टाइम होता है खास करके, तब ज़्यादा टेम्परेचर होने के वजह से पानी का इवोपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और उसे रोकने के लिए हम मल्चिंग जो पत्तियां हैं उसको जो सॉइल है उसके ऊपर ढक के रख सकते हैं। उससे ये भी एक एडवांटेजेस है कि जो अनवांटेड सीड्स हैं जो बर्ड्स की वजह से हो या मतलब हमें नहीं चाहिए, तो वो सीड्स वहाँ नहीं ग्रो होते, और जो पत्तियाँ की वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है, और वही पत्तियाँ धीरे धीरे वही डिकम्पोज होने भी लगती हैं। इसमें जो केचुए हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, अर्थवर्म जिसे हम कहते हैं, और मॉइस्चर तो है ही जो होल्ड करके रखता है। अगर आप अपने सिर्फ मिट्टी डाले और पत्तियाँ ना डालें तो जल्द से जल्द वो समर के टाइम पे सूख जाती हैं, और आप पत्तियाँ डालें और मिट्टी डालें दोनों का अगर रेशियो हो तो कम सूखती हैं, मतलब इवोपरेशन तो होगा ऐसा नहीं होगा बट काफ़ी कम होता है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा पानी की होती हैं जो प्लांट को एकदम इमरजेंसी कंडीशन में भी साथ देते हैं, अगर आपने पानी नहीं दिया तो भी वो चल जाएगा।
और हम एडवांटेजेस की बात करें तो पत्तियों की वजह से जो टेरेस पे आपके स्लैब पे बर्डन जो होता है मिट्टी के वजह से वो कम पड़ता है, और ये जो बर्डन है आप अगर आपके स्लैब है तो आप कॉलम वाइज जो कॉलम और जो जो आपकी वॉल है उसके जो लोड होता है, जैसे कि मैंने आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने सेंटर में कभी ड्रम्स नहीं लगाए हैं, मैंने कॉलम के आसपास और जो वॉल होती है हमारी उसके ऊपर ही उन ड्रम्स को रखा है ताकि लोड उन स्लैब पे ना पड़े और उसके वजह से कोई मतलब ख़राब ना हो स्लैब, उसमें बर्डन ना रहे। और इसका लगभग वेट अगर मैं बात करूँ तो 25 किलो से लेके 50 किलो तक का एक ड्रम का होता है अगर मैं ओवरऑल मिट्टी और पत्तों की खाद की बात करूँ तो। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और पोरेसिटी ऑफ सॉइल मतलब एरेशन काफ़ी अच्छी होती है, आप पानी भी डालो तो वो जल्दी से जल्दी ड्रेन हो जाता है, होल्ड करता है पानी मतलब कुछ टाइम तक, फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन हो जाता है। और समर टाइम में तो मैंने बता दिया कि कम से कम पानी लगता है, वो एक अच्छा एडवांटेजेस है अगर आप पत्तियाँ यूज़ करते हो। आप पत्तियाँ नहीं होगी तो आप जो राइजर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर वीट स्ट्रॉ हो राइस स्ट्रॉज हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की अगर फ्लक्चुएशन की बात करें तो समर टाइम में जहाँ से मैं हूँ ट्रॉपिकल रीजन भंडारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे टेम्परेचर 45-47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपके टेरिस पे कोई ऐसे प्लांट्स हो तो वो सूख जाएंगे, और अगर उसके अगर इस तरह के प्लास्टिक के ड्रम बात करें तो वो अंदर के अंदर ही पकने लगते हैं। तो जो लीव्स होती हैं वो ठंडी होती हैं और जो मतलब टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं इवोपरेशन और कंडेंसेशन के हेल्प से, जो मिट्टी होती है ऊपर की वो ठंडी भी रहती हैं और जो रूट्स हैं उनको एक नॉर्मल मतलब मेंटेन टेम्परेचर मिल जाता है। आप इस तरह के कंटेनर्स को कहीं भी मूव कर सकते हो, 25 किलो या 30 किलो का एक कंटेनर बहुत ज़्यादा मतलब हेवी नहीं होता, आप एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे इसे इजीली मूव कर सकता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, हालांकि ऐसे कोई एकदम सीवियर डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस इसको टाइम ज़्यादा लगता है। और मतलब इनिशियल फेज़ में अगर आप पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का ऐसा है वो पहले डिकम्पोज होने के लिए उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो मिलता है जो पत्तियों में होता है वो कम होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हेल्प करते हैं, उन पत्तियों को खाते हैं और उसके बदले में उस पत्तियों को नाइट्रोजन देते हैं, और उस वजह से ये प्रोसेस बार बार चलते रहने की वजह से उसमें एक जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी मात्रा में स्टोर होता है। बारिश की वजह से भी होता है, अगर आप उसमें कुछ ग्रास लगाएं तो उस ग्रास के वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग जल्दी हो जाती है। आप जब बारिश का मौसम है और ग्रास लग जाए ऐसे कंटेनर्स में आप लगाएं तो ग्रास को काटे नहीं, वो एज इट इज़ जैसी है वैसे रहने दें। उसके बाद मैंने जो बताया कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अबाउट मतलब 6 months to 18 months अगर प्रॉपर डिकम्पोजिशन प्रोसेस की बात करूँ मैं। और इसमें एक बात है, अगर आप अपना घर का किचन वेस्ट डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं तो उसकी एक स्मेल आती है, एक अगर आप मतलब पत्तियाँ ही डाल रहे हैं तो उसकी एक वुडन टाइप स्मेल आएगी या कुछ बैड स्मेल आएगी जो एरिया में अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए आप एक काम करें उसे ढक कर रखें, किसी आपके पास ऐसा कोई कंटेनर हो उसके ऊपर की जो कवर हो उसे ढक के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें कीड़े नहीं पनपेंगे और आप जैसे ही कुछ डेली का जो आपका किचन वेस्ट होगा वो आप हमेशा डालते रहेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, इतना जो हम लीफ कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेड वन कंपोस्ट है, बहुत अच्छा कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट मतलब जो वर्म्स है उनके लिए, उससे वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। और आप इसे एक बात है कि कोई भी एक जैसा लीव्स आप यूज़ ना करें, एक जैसे पत्तियाँ डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में यूज़ ना करें, जैसे कि मैंने कहा कि आप किचन वेस्ट ऐड करना है आपको, तो मैं अगर एक जैसे पत्तियों का बात कर रहा हूँ तो जो भी न्यूट्रिशन उस एक जैसे पत्तियों ने लिया है वो एज इट इज़ रहेगा। आप अगर कौन सा भी प्लांट लगाएंगे हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन डिफिशेंसीज आ सकती हैं,
बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अगर नीम की पत्तियां हो, आसपास जितने भी वेराइटीज ऑफ पत्तियां हो सबकी सब डालिए किसी कंटेनर में प्लास्टिक, और उसके वजह से न्यूट्रिशन बैलेंस रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइजर्स होता है उनका एक एकदम सटीक कैलकुलेशन नहीं होता कि 100 ग्राम्स में आपको इतना ही न्यूट्रिशन इसका मिलेगा, न्यूट्रिशन मतलब नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, वो एक बस एप्रोक्सीमेशन किया जाता है कि 100 ग्राम पत्तियों में आपको 20 ग्राम नाइट्रोजन मिल सकता है, 20 ग्राम्स 20 मिलीग्राम्स। तो इसमें आप किचन वेस्ट ऐड करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है किचन वेस्ट में, आपके घर का कचरा बाहर नहीं जाएगा, बस जो प्लास्टिक के पॉलीथिन्स होती हैं जो आप पैक्ड फूड लाते हैं, बस आपके घर से ओनली एंड ओनली पॉलीथिन से या प्लास्टिक घर के बाहर जाना चाहिए। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने टेरिस पे, और उसके वजह से आप एक बेहतर नागरिक की तरह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन भी रख सकते हैं। तो एक गुड ऑप्शन है, आप टेरिस गार्डनिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही कंटेनर से स्टार्ट करें। कबाड़ी में काफ़ी सारे ऐसे टूटे फूटे ड्रम्स मिल जाते हैं, आप एक दो बार विजिट करिए आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। अगर उसी साइज़ का आप कोई गमला लेने जाए मार्केट में बहुत महंगा पड़ेगा आपको, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो खूबसूरती के पीछे टेरिस के इस टेरिस गार्डनिंग कर रहे हो तो खूबसूरती के पीछे ना पड़े, आप बस सिंपल सा कंटेनर ले, एक तो ले कि आप वो वहाँ से स्टार्ट कर सके कैसे शुरू होता है। हालांकि टाइम टेकिंग है बट आपको धीरे धीरे अगर एक बार वो टाइम गुजर गया और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको एड ऑन मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन के लिए न्यूट्रिशंस नहीं देने, जो हम गमलों में 15-20 दिनों में जो बायोडिकम्पोज देते हैं, जो गोट का मैन्योर हो गया या काउडंग हो गया, ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छी बात होती है। और ये आपके सॉइल को पोरस बनाने के लिए तो अर्थवर्म है ही, मिलीपेड्स है ही, वो बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ मैं कुछ आपको रेफरेंस दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें वो रेफरेंस ज़्यादा अच्छे हैं किसी भी YouTube वीडियो से, आप जितने भी YouTube में वीडियोस देखिए उससे तो बेटर है। आपको इस आर्टिकल्स में, इन ब्लॉग्स में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी भी और वीडियो के बजाय। तो मेन रेफरेंस का जो ये लिंक्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, और आप वो ज़रूर पढ़िए। हम वैसे भी ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं बट प्लीज़ इसको पढ़िए, इसमें काफ़ी सारी डिटेल नॉलेज है, और इनकी जो स्टडीज़ होती हैं वो सालों साल चलती है, और उन सालों का रिजल्ट, इतने ईयर्स का रिजल्ट आपको इन आर्टिकल्स में मिल जाता है। तो आपको हेल्प होगी, आपको एक एक्सपीरियंस आएगी कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे। होप सो आप इस वीडियो को मतलब ज़रूर पसंद किया होगा, मिलते हैं और एक ऐसे ही नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।